हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम नंबर 2 की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। उसने बोला है, एन अलॉय बार 2 मीटर लॉन्ग इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स। यानी कि एक बार दे रखी है जो कि आपकी अलॉय बार है, 2 मीटर लंबी है, दो सपोर्ट के बीच में है। फाइंड दी स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन दी बार व्हेन इट्स हीटेड थ्रू द 30 केल्विन इफ द बोथ एंड्स। फर्स्ट केस दे रखा है डू नॉट यील्ड, यानी कि अपन को यील्ड नहीं करना है उसको। सेकेंड वन केस है आपका यील्ड बाई दी 1 mm, यानी कि मुझे उसके अंदर गैप देना है 1 mm का। टेक दी वैल्यू ऑफ ई यानी यंग्स मॉडुलस एंड एल्फा यानी कि आपका लीनियर एक्सपेंशन फॉर दी अलॉय एज द 120 गीगा पास्कल एंड 24 × 10⁻⁶ पर केल्विन। तो देख लेते प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। सबसे पहले सिंपल तरीके से गिवन डेटा मैं नोट डाउन करता हूँ कि एल की वैल्यू मुझे दे रखी है पहले 2 मीटर, तो मैं 2000 mm लिख लूँगा सिंपल तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा टी यानी कि टेम्परेचर, वो 30 केल्विन दे रखा है, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे। पहली कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ ई की वैल्यू से 200 गीगा पास्कल दे रखी है, तो मेगा पास्कल में मैं चेंज कर लूँगा 10³ का मल्टीप्लाई करके। एल्फा की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे 24 × 10⁻⁶ पर केल्विन। तो यहाँ पे जो मेरा पहला केस है उस केस के अंदर मेरे को सिग्मा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी एल्फा टी ई से। तो एल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है 24 × 10⁻⁶। इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे टी की वैल्यू मेरे पास 30, और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे ई की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 120 × 10⁻³। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके बाद कितनी वैल्यू निकलती है देख लेते हैं। 24 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 30 × 120 × 1000। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 86.4। तो 86.4 मेगा पास्कल मेरे पास आंसर आ गया है। अब यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं इसको। सेकंड वाले पार्ट की बात करूँगा कि जब यील्डिंग है आपकी 1 mm की, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा का। उस केस के अंदर सिग्मा इज इक्वल एल्फा टी माइनस के डेल ओवर एल ब्रैकेट के बाहर ई। अगर आप नोटिस करेंगे कि एल्फा टी ई माइनस के डेल इंटू ई ओवर एल में लिख लो, तो ये वाली जो वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है 86.4 होगी। डेल की वैल्यू 1 mm दिया तो 1 लगा दिया। ई की वैल्यू उसने मेरे को दे रखी थी यहाँ पे 120 गीगा पास्कल, तो 120 × 10³। एल की वैल्यू 2 मीटर थी, तो 2000 का मैंने डिवाइड दे दिया। तो आप यहाँ देखेंगे ये डायरेक्ट 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है, और ये 60 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 86.4 माइनस के 60, तो यानी कि 26.4 मेगा पास्कल आंसर आना चाहिए। तो 26.4 मेगा पास्कल मेरा दूसरा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।